लिए और इसकी जानकारी इसके लिए पहले ही चेतावनी दे दी गई थी और आज विधानसभा का घेराव होगा। इससे पहले सीएच ने 5 सितंबर को अजमेर रोड पर धरना दिया था। अब विधानसभा घेराव की तैयारी। बड़ी खबर जयपुर से। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए शहीद स्मारक से, जहां पर इस वक्त सीएचए बड़ी संख्या में मौजूद हैं, किरोड़ीलाल मीणा इनके बीच मौजूद हैं। सौरभ, विधानसभा घेराव की चेतावनी दे दी गई थी, सोशल मीडिया के जरिए बार बार इस आगाह किया था इस बात के लिए विधानसभा का घेराव किया जाएगा, तैयार रहिए। और आज विधानसभा घेराव, क्या वहां पर तस्वीरें नजर आ रही है, किरोड़ीलाल मीणा भी पहुंच गए? जी बिल्कुल, देखिए आज 15 दिन पहले 5 सितंबर को जिस प्रकार का ऐलान किया गया था, उसी प्रकार से जो है वो तमाम कुल स्वास्थ्य सहायक जो है वो शहीद स्मारक पर जुट चुके हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, ये वही शहीद स्मारक है जहां पर पिछले 3 महीने लगातार इन कुल स्वास्थ्य सहायकों ने न सिर्फ धरना दिया बल्कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किया। लेकिन चूंकि जिस प्रकार से इनकी मांगे नहीं सुनी गई, इसके बाद तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायकों में आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि आज इन्हें विधानसभा कूच की परमिशन जो है वो नहीं दी गई है, इसलिए आज से ये तमाम लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं। और अभी कुछ देर पहले ही किरोड़ीलाल मीणा जो है वो खुद इस धरने में शामिल हुए हैं और उसके बाद वे अभी पुलिस कमिश्नर से मिलने के लिए इसलिए आज से गए कि इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों को अनुमति दी जाए कि ये यहाँ पर प्रदर्शन कर पाए और विधानसभा घेराव का जिस प्रकार की इन्होंने बात कही थी वो बात जो है वो रख सके। लेकिन अभी तक इनको जो है वो परमिशन नहीं मिली है।